वेलकम टू कार एंड ड्राइव, दिस इज शेवरलेट कैमारो। 2017 का मॉडल है और 2020 की US इम्पोर्टेड गाड़ी है और प्राइस इसकी हमारे पास है 2,75,00,000। फ्रंट हेडलाइट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास HID प्रोजेक्टर लैंप है और इसके बॉटम पे डे टाइम रनिंग लाइट्स भी हैं। साइड पे इसके ये जो LED एक्सेंट्स, नीचे ये इसके फॉग लैंप है और इसमें क्रोम इंस्टॉल हुआ हुआ। ग्रिल पे आ जाए तो यहाँ पे SS की हमारे पास बैजिंग है। ग्रिल इसके क्रिस क्रॉस शेप में है और ये सामने इसकी शेवरलेट की बैजिंग। गाड़ी के हुड पे देखें तो ये कैरेक्टर लाइन प्रेजेंट है जो लुक को काफ़ी इन्हांस कर रही है। ये इसके एयर इनलेट्स दिए गए हैं, ये भी काफ़ी प्यारी शेप में है। यहाँ पे गाड़ी के रियर साइड पे इसका टॉप पे स्पॉइलर मौजूद है, ये कर्व्ड शेप में है। उसके अलावा जो इसकी टेल लाइट्स हैं ये हमारे पास LED हैं और लुक हाउ दे आर स्टनिंग। ये जो नीचे इसमें हमारे पास लाइंस नज़र आ रही हैं, कैरेक्टर लाइंस हैं ये दो। SS की अगेन बैजिंग है यहाँ पे। नीचे इसके रियर बम्पर पे रिफ्लेक्टर है और जो इसका एग्जॉस्ट है वो भी रियर से विजिबल है। ये इसका ब्रेक लैंप मौजूद है यहाँ पे। नीचे यहाँ पे ये रिवर्स कैमरा हमारे पास मौजूद है और ये आगे इसके जो हैं वेंट्स दी गई हैं। व्हील्स लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। साइज इनका हमारे पास 20 इंच है। दिस इज द की ऑफ द कार। इसमें हमारे पास डिफरेंट बटन्स हैं, लॉक अनलॉक, रिमोट स्टार्ट का बटन है, ये जो है हैच ओपनर और ये हमारे पास पैनिक बटन है। फिजिकल की भी इसमें मौजूद है। गाड़ी के अंदर हमारे पास इसमें जो है वो कीलेस एंट्री है। अगर आपके पास जो की है वो प्रॉक्सिमिटी में हो तो ये इसका लॉक अनलॉक का बटन है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। डोर इसका देखें तो इसमें जो हमारे पास मटेरियल है ऊपर हार्ड मटेरियल है और नीचे इसमें सॉफ्ट है। यहाँ पे इस साइड में देखें तो ये विंडोज़ लॉक और अनलॉक बटन है। ये इसका मेटालिक हैंडल है। ये जो है इससे आप साइड मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक विंडोज़ हैं इसकी, वन टच पावर विंडोज़। यहाँ से भी आप जो है वो ट्रंक ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे साउंड सिस्टम है। ये जो इसका सॉफ्ट लुकिंग आर्मरेस्ट है इसमें हमारे पास ये स्टिचिंग भी हुई।
ये जो इसकी डोर पॉकेट है और ये यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस। लेदर स्टेयरिंग व्हील है इसका और यहाँ पे ये स्टिचिंग, ये सेंटर में जो कुमारो की बैजिंग है। इसके अलावा इस साइड पे हमारे देखें तो डिफरेंट कंट्रोल जो है, वॉइस कमांड का कंट्रोल है ये ब्लूटूथ और कॉल डिस्कनेक्ट का, और ये जो बटन्स हैं हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के बटन्स हैं। दूसरी साइड पे यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर सकते हैं यहाँ से रिज्यूम और सेट। पैडल शिफ्टर्स हैं यहाँ पे इसके। स्टीयरिंग व्हील का जो बॉटम है वो फ्लैट है। सेंटर कंसोल में यहाँ पे इसकी ये टच स्क्रीन है। इसके अलावा ये इसके फिजिकल बटन भी साथ दिए गए हैं, ये होम बटन, यहाँ से आप रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ से फॉरवर्ड और यहाँ से बैक कर सकते हैं। इस साइड पे जो बटन दिए गए हैं दीज आर फॉर क्लाइमेट कंट्रोल। ये जो बटन दिए गए हैं दे आर फॉर वेयर यू वांट द एयर टू ब्लो। इसके अलावा इस साइड पे ये एसी ऑन करने का बटन है ऑटो, और ये एयर सर्कुलेशन। ये हमारे पास फ्रंट डिफ्रॉस्टर और ये रियर डिफ्रॉस्टर के बटन थे। ये जो सामने दिए गए हैं हमारे पास एयर वेंट्स हैं। ये जो है इसका शिफ्टर है और ये लेदर रैप्ड विद स्टिचिंग। ये जो है यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं, डिफॉल्ट इसका ऑन होता है। ये ड्राइव मोड, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक। इसके कप होल्डर्स इसमें मौजूद हैं विद मेटालिक एक्सेंट। आर्मरेस्ट इसकी चेक कर लेते हैं। आर्मरेस्ट में हमारे पास यहाँ पे स्पेस मौजूद है और ये जो इसके यूएसबी पोर्ट्स भी दिए गए, और इसमें ये पावर आउटलेट भी है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे इसके फिजिकल गेजेस भी हैं और डिजिटल भी। आरपीएम मीटर, राइड पे स्पीडोमीटर। सामने जो गेजेस हैं उनमें ऑयल प्रेशर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल गेज एंड बैटरी वोल्टेज, डिजिटल स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर नीचे मौजूद है। पैसेंजर साइड पे भी एयर वेंट दिया गया है और इसके डोर पे भी विंडो कंट्रोल। और आर्मरेस्ट भी दी गई है। दीज आर द सन वाइजर्स और इसमें हमारे पास मिरर है विद लाइट्स। यहाँ से सनरूफ ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ये जो है यहाँ से आप रीडिंग लाइट्स को ऑन कर सकते हैं। बीच में यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग लाइट्स। पावर फैब्रिक सीट्स हैं इसकी और आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं बैक इन फॉरवर्ड